चार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिन्हा सिन्हा टी कस्टमर का फिर स्वागत करता हूँ। आज जो भी यूज़ करें तीन स्विच है इसमें, ठीक है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, एक इंडिकेटर रहा और दो हमारे पास सॉकेट है, एक होल्डर है। इसे कनेक्शन कैसे होगा हम ये करेंगे। इसके साथ पहले हम देख लेते हैं डायग्राम क्या होगा हमारा, जो किसके अनुसार हम काम करेंगे। तो जब भी हमारा देखिए, ये जो हमारा स्विच के नीचे टर्मिनल है वो सारा हमारा इसमें मेन इन करेगा। हमें मेन का जरूरत कहाँ पर है, ठीक है, जो पहले फेज वायर आएगा हमारा, ठीक है, फेज वायर कहाँ कहाँ आएगा हमारा, फेज वायर ये स्विच, ठीक है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच और ये सॉकेट है, दो, ठीक है, ये तीन स्विच हो गया, ठीक है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच है। तो ये तीनों स्विच हमारे जो कनेक्शन आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो वो आएगा सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में, ठीक है। हमारा जो मेन वायर आएगा वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में प्लस एक इंडिकेटर में आएगा, क्योंकि इंडिकेटर में भी हमको मेन में का जरूरत पड़ता है। और जो फेज का वायर हम आएगा हम इस यहीं पर इन करा देंगे, क्योंकि हमारे पास फ्यूज नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमको इन दोनों सॉकेट को ऑपरेट करना कहाँ से, ठीक है, इस स्विच को हम ऑपरेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, जो हमारा ये स्विच होगा इससे हम इस सॉकेट को ऑपरेट करेंगे, इस स्विच से इस सॉकेट को ऑपरेट करेंगे, इससे हम होल्डर को यूज़ करेंगे, ठीक है, होल्डर को हम कंट्रोल करेंगे। तो होल्डर कंट्रोल करना, तो हमें क्या करना, यहाँ से जो स्विच का ऊपर टर्मिनल को हमको होल्डर में इन कराना होगा, ठीक है। इस सॉकेट से हमको इसे यूज करना, तो यहाँ पर देखिए एन एल कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ एन आर एल लिखा होगा, जहाँ पर एल होगा, ठीक है, उसका इस स्विच से टर्मिनल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ एल लिखा हुआ है तो इस स्विच का टर्मिनल जाएगा यहाँ पर, तो हमारा जो फेज का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ हमें जरूरत पड़ेगा न्यूट्रल, ठीक है, एक आएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का जरूरत हमें कहाँ पे है, न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा हमको यहाँ पे, यहाँ पे और होल्डर में। तो हम क्या करेंगे, तीनों कैसे लूप बना देते हैं, ये कैसा और एक होल्डर। तो हम न्यूट्रल का वायर को यहाँ पे इन करा सकते हैं, यहाँ भी इन करा सकते हैं, यहाँ भी इन करा सकते हैं, देख लीजिए जहाँ भी आपको तुम्हारा फेज है न्यूट्रल का काम हो जाएगा। और हाँ, बॉडी अर्थिन आपको देने का है तो बॉडी अर्थिन का वायर आप यहाँ पर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम वायरिंग करते हैं, लेट करके फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले शॉर्ट कराएंगे मेन से, ठीक है। तो हम सारे को मेन को शॉर्ट कराते, मैंने पहले से इसे बना रखा था। हमारा घाट खराब हो गया सबका, तो हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारा मेन का जो नीचे टर्मिनल होगा। फिर वो क्या करना है, इन तीनों को हमको इसके साथ भी शॉर्ट कराना है, इंडिकेटर में हमें जरूरत पड़ेगा तो इंडिकेटर में हम शॉर्ट करा देते हैं। ये हमने इंडिकेटर में भी शॉर्ट करा दिया, ये हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, फेज का जो वायर आएगा हम कहीं भी इन करा सकते हैं, यहाँ भी इन करा सकते हैं, यहाँ भी इन करा सकते हैं, यहाँ भी इन करा सकते हैं और यहाँ भी इन करा सकते हैं, हमारा जो फेज का वायर आएगा, ठीक है, ये जो रेड वायर है हम यहाँ भी इन करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हमको देखना ऑपरेट कहाँ करना है, तो इस किनारे वाला स्विच से हमको होल्डर को ऑपरेट करना था, तो उसका एक वायर हम इसमें मेन डालना होगा, इस होल्डर को चलाने के लिए मेन न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक वायर पहले इसमें लूप करा देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये स्विच से ये होल्डर ऑपरेट हो जाएगा। अब इसके साथ हमको क्या, इन दोनों स्विच को भी ऑपरेट कराना है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ये हमारा एल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से इस स्विच को ऑपरेट करना है, तो हम यहाँ से एक लूप डाल देंगे। अगर इस सॉकेट से आपको इसको यूज करना है तो यहाँ पे आप इससे शॉर्ट कराइए, ठीक है। अब देख लीजिए जहाँ से आपको इस स्विच को ऑपरेट करना है, हमको इस सॉकेट को इस स्विच से ऑपरेट करना है, इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक वायर का लूप यहाँ बना कर डाल दे रहे। तो हमारा जो होगा मेन जो होगा इसे सप्लाई कर देगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फॉलो करेगा करंट और इसमें पहुँच जाएगा इस सॉकेट में। सेम इसके साथ सेकेंड वाला सॉकेट में को भी हमको यही करना है, ये हमारा सेकेंड वाला सॉकेट हो गया, इसको हम यहाँ से लूप कराएंगे इस स्विच से, क्योंकि इस स्विच को हम ऑपरेट करना हमको इससे। तो हमारा सा क्या होगा, सारा जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया हमारा फेज का, ठीक है, जो हमारा फेज का लाइन का वायर होगा उसका काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको न्यूट्रल, न्यूट्रल कहाँ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है और साथ ही में इंडिकेटर में देना है और इस होल्डर में देना है। तो इस होल्डर वाला जब इंडिकेटर में आएगा तो हम साथ में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को हम शूट करा देते हैं।
ये हमारा न्यूट्रल इन दोनों में पहुंच गया, इस सॉकेट में पहुंच गया, इस सॉकेट में हो गया। अब हमको यहाँ इंडिकेटर में देना, तो हम साथ में दे देते हैं, ठीक है, इसको हम साथ में दे देते हैं, तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल जो होल्डर के लिए भी चाहिए था, ठीक है, ये होल्डर का वायर निकला हुआ था, तो होल्डर का भी हम काम इसे इसे कर दिए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, फेज इन कराना है किसी भी टर्मिनल में जो इस वायर में, ठीक है, और हमें न्यूट्रल इन कराना है इस पीला वायर जहाँ भी दिया वहाँ पे इन कराना है, ठीक है। इन तीनों में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन करा देंगे न्यूट्रल और फेज इन करा देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगल है और यहाँ स्पेस कम है, तो अच्छा से हम इसको टाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने दो वायर ले लिया है, तो इसको हम फेज की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर दे रहे, तो हमारा क्योंकि इसमें फ्यूज नहीं दिया हुआ है, तो हमारा मेन क्या होगा, सार में सप्लाई कर जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके साथ न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल हम यहाँ दे देते हैं, यहाँ सिंगल वायर था तो यहाँ देना सही लगा मुझे। ये हो गया, अगर बॉडी अर्थिंग आपको देना है तो यहाँ से यहाँ पे बॉडी अर्थिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ कीजिए, जैसे मैंने न्यूट्रल को इसमें इन कराया, आप दोनों में कहीं भी इन करा सकते हैं। तो हमारा फेज और न्यूट्रल दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया आप बोर्ड में। अब इसको हम क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं। इंडिकेटर हमारा चला, तो हमारा क्या कनेक्शन लगभग सही है, फील हो रहा है, तो हम फिर भी चेक कर लेते हैं। तो ये हम एक होल्डर ले लिए और ये हमारा सही है, ठीक है। इसके साथ हमें सॉकेट को भी चेक करना है कि सॉकेट हमारा सही है कि ख़राब है, तो उसके लिए भी मैं एक टेस्टिंग होल्डर के थ्रू इसे चेक कर लेता हूँ। और सॉरी, इससे हम इस स्विच को इससे ऑपरेट कर रहे थे सेकेंड वाले से, तो ये हमारा सही है, और इस स्विच से हम इसको ऑपरेट कर देते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो अब देख लीजिए, जिससे जो स्विच आपको ऑपरेट करना है उस हिसाब से आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा कोई दिक्कत होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए, धन्यवाद।